गुड। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या देखा था? लैकोपेरॉन। आज हम लोग ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन देखेंगे, टीआरपी ओपेरॉन कहते हैं शॉर्ट में इसको। देखो ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट बेसिकली किसने दिया था? साइंटिस्ट का नाम याद है किसी को? जैकब और मोनार्ड ने ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक, और कॉन्सेप्ट क्या है वो हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। हमने कल लैक ओपेरॉन डिस्कस किया जो कि इंड्यूसिबल सिस्टम या इंड्यूसिबल टाइप का ओपेरॉन है। आज हम टीआरपी ओपेरॉन डिस्कस करेंगे जो बेसिकली रिप्रेसिबल टाइप का ओपेरॉन है। लैक ओपेरॉन में क्या हो रहा था दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे हम लोग। लैक ओपेरॉन में बेसिकली हो यह रहा था कि लैक्टोज जब आ रहा था सेल के अंदर तब उसको कैटाबोलाइज करने के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड थे वो सिंथेसाइज हो रहे थे। इसका मतलब कि वहां पे कैटाबोलिज्म हो रही थी, ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज हो रहा था। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे एनाबोलिज्म होती है, यानी कि ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की सिंथेसिस होनी है। तो अगर आपको सोच के बताइए, एक ओवरव्यू दे रहे हैं, अगर ये अमीनो एसिड सेल के अंदर ऑलरेडी मौजूद हो, बैक्टीरिया के अंदर ऑलरेडी मौजूद हो, तो क्या इसको सिंथेसाइज करने की जरूरत है? तो अगर ट्रिप्टोफैन सेल के अंदर ज्यादा मात्रा में पहले से है तो क्या इस ओपेरॉन को चलने की जरूरत है? नहीं। जब ट्रिप्टोफैन डेफिशिएंट हो जाएगा सेल के अंदर तब उसकी बायोसिंथेसिस के लिए ये ओपेरॉन रन करेगा। इसका मतलब ये हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन दिस ओपेरॉन रिमेन्स रिप्रेस्ड, बंद रहता है, और जब ट्रिप्टोफैन कम हो गया, खत्म हो गया, तब ये ओपेरॉन स्टार्ट होता है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। तो अब हम इस ओपेरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, साथ में आप भी ड्रॉ करिए। तो जैसा कल हमने बताया था, ये ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के केस में पांच स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं। लैक ओपेरॉन में हमने तीन स्ट्रक्चरल जीन्स देखी थी, तो ये सारी स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। ये जो सीक्वेंस होता है वो लीडर पेप्टाइड या लीडर सीक्वेंस कहलाता है। लीडर पेप्टाइड के लिए ये सीक्वेंस होता है। एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओ मतलब आप जान ही रहे हैं, ऑपरेटर। पी है प्रोमोटर, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। आर रेगुलेटरी जीन है, और ये पी जो है उस रेगुलेटरी जीन का प्रोमोटर है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे ये जो पांच स्ट्रक्चरल जीन्स हमने आपको बताई हैं, तो ये पांच स्ट्रक्चरल जीन्स अलग अलग एंजाइम्स के लिए कोड करते हैं, और वो सारे के सारे एंजाइम्स
ट्रिप्टोफैन का जो बायोसिंथेटिक पाथवे है उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो दिस ओपेरॉन रन्स फॉर व्हाट? फॉर ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस। अब ये एंजाइम्स, ये पर्टिकुलर जीन्स जो अलग अलग हैं ट्रिप ए बी सी डी ई, ये किस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए कोड करती हैं, तो वो हम यहां पे मेंशन कर दे रहे हैं। जो ई होता है इट कोड्स फॉर एंथ्रानिलेट सिंथेस, डी डी कोड करता है एंथ्रानिलेट फॉस्फो राइबोसिल ट्रांसफेरेज, लिखते जाइए इसको साथ साथ में। ये जो C है इट कोड्स फॉर एंथ्रानिलेट फॉस्फोराइबोसिल आइसोमेरेज, और साथ ही साथ इंडोल थ्री ग्लिसरो फॉस्फेट सिंथेस, इसके लिए भी ये जो सी जीन है वो कोड करती है। देन वी हैव बी, ये कोड करती है ट्रिप्टोफैन सिंथेस बी, बी सब यूनिट के लिए, और ए ये कोड करता है ट्रिप्टोफैन सिंथेस ए सब यूनिट के लिए। तो इसका मतलब कि ये जो एंजाइम है ये दो सब यूनिट से मिलकर तैयार हो रहा है, और इन दोनों सब यूनिट्स के लिए अलग अलग जीन्स हैं, जीन ए और जीन बी। तो ये हमने ये एंजाइम्स देख लिए जो इन सभी जीन्स के द्वारा कोड किए जा रहे हैं। देख लिया इसको? अच्छा चलिए आगे की बात हम बता रहे हैं आपको, लेकिन उसके लिए हमको ये दो एंजाइम्स मिटाने पड़ेंगे। तो पहले ये दो आप लिख लें, ट्रिप्टोफैन सिंथेस ए और बी। तो इतना हम रब कर रहे हैं, ठीक, ये दोनों। अरे ए बी के लिए पहले आप लिख लें, अब यहां पे देखो ध्यान से, लीडर ऑपरेटर प्रोमोटर और उसके बाद रेगुलेटर। तो ये रेगुलेटरी जीन जो है वो लगातार अपना एक्सप्रेशन देती रहती है। क्या ऐसा है? चलो मान लो कि एक्सप्रेस कर रही है अपने आप को, और ये क्या बन रहा है? एमआरएनए। ये एमआरएनए जब ट्रांसलेट होगा तो ये बनाएगा एक रिप्रेसर, जैसा कि वहां बन रहा था लाइकोपेरॉन में। तो ये क्या है? ये एक रिप्रेसर प्रोटीन है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां पे इस रिप्रेसर को हम क्या कहते हैं? एपो रिप्रेसर। और जब ये सिंथेसाइज होता है तो इस दौरान ये एपो रिप्रेसर जो है वो किस स्टेट में होता है? इनएक्टिव स्टेट में।
ये इनएक्टिव स्टेट में रहता है। लेट्स से कि ट्रिप्टोफैन जो है वो सेल के अंदर नहीं है, तो उस दौरान क्या होगा, ये रिप्रेसर जो है ये ऐसे ही पड़ा रहेगा क्योंकि ये इनएक्टिव है। यानी कि जब तक ये इनएक्टिव है तब तक ये रिप्रेसर जाके ऑपरेटर साइट पे बाइंड नहीं करेगा। अगर बाइंड नहीं करेगा ये तो क्या होगा, इस प्रोमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और यहां पे इसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है तो ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करेगा और ये सारे जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ऐसा कब होगा, जब ट्रिप्टोफैन मीडियम में या हम कहें सेल के अंदर नहीं है। तो उस समय चाहिए क्या, ट्रिप्टोफैन चाहिए, चाहिए तो हमको ये एंजाइम्स चाहिए और ये एंजाइम्स तभी बनेंगे जब ये जीन्स ट्रांसक्राइब होंगी। इतनी बात समझ में आ गई, इसका मतलब कि ट्रिप्टोफैन की बायोसिंथेसिस चलती रहेगी। अब मान लीजिए कि ट्रिप्टोफैन आ गया, सेल में आ गया, दिस इज ट्रिप्टोफैन, उसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होगा कि ये रिप्रेसर और ये ट्रिप्टोफैन, यहां पे ट्रिप्टोफैन को हम को रिप्रेसर कह रहे हैं, तो ये एपो रिप्रेसर हो गया और ये को रिप्रेसर हो गया, ये दोनों आपस में बाइंड कर जाते हैं, ये बाइंडिंग हो गई। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है एपो रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है और ये जाके कहां बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर से, ये जाके ऑपरेटर से बाइंड कर गया। ऐसा कब हुआ, जब मीडियम में ट्रिप्टोफैन आ गया है तो ये ट्रिप्टोफैन बाइंड करेगा और फिर ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जाके बाइंड करेगी। बाइंड करने के बाद आगे क्या होगा, अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो प्रोमोटर और ऑपरेटर इन दोनों की साइट ओवरलैप कर रही है जैसा हमने दिखाया है। तो अगर ऑपरेटर पे ये रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स जाके बाइंड कर जाएगा तो अब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोमोटर साइट पे बाइंड नहीं कर पाएगा। तो जब ये बाइंड नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा जीन्स का, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ये एंजाइम्स नहीं बनेंगे क्योंकि इन एंजाइम्स को बनाने की अब जरूरत नहीं है, सेल के अंदर ट्रिप्टोफैन है और जब ट्रिप्टोफैन होगा मौजूद होगा तो ये अपनी ही बायोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होने वाले एंजाइम्स को ट्रांसक्राइब होने से रोकेगा। और जब ये ऐसा करेगा तो इस तरीके का रेगुलेशन क्या कहलाता है, नेगेटिव रेगुलेशन, रोक रहा है काम को, और इसी को हम कहते हैं रिप्रेसिबल ओपेरॉन एक्टिविटी। ओपेरॉन की रिप्रेस हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ट्रिप्टोफैन। इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, तो बहुत सिंपल सा है। लेकिन यहां पे एक और कॉन्सेप्ट आता है और वो है फाइन रेगुलेशन ऑफ दिस ओपेरॉन। ये तो हमने ओवरव्यू दे दिया आपको, मोस्टली ऐसे रेगुलेट हो रहा है, लेकिन हर एक सबस्ट्रेट का, हर एक मेटाबोलाइट का एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन रेंज होती है किसी भी सेल के अंदर, वो चाहे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो यूकैरियोट्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो। तो हर एक बायोमोलिक्यूल का एक ऑप्टिमम रेंज होना चाहिए, उससे कम अगर होगा तो भी समस्या है और उससे ज्यादा होगा तब तो समस्या हो ही जाएगी क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत कहा गया है ना। अब जैसे आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए, अगर इंसुलिन कम हो गया, लेट्स से उसकी एक रेंज है ऑप्टिमम रेंज, उस रेंज से इंसुलिन कम हो गया तो क्या दिक्कत होगी, डायबिटीज। और अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल इतना कम हो जाएगा कि कोमा में भी जा सकता है इंसान,
तो दोनों चीज सही नहीं है। तो उसी तरीके से इस बैक्टीरियल सेल के अंदर भी हर एक बायोमोलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो ऑप्टिमम लेवल पे होना चाहिए। तो ट्रिप्टोफैन अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तब भी नहीं ठीक है, और बहुत कम हो जाएगा तब तो काम रुक ही जाएगा। तो फाइन ट्यूनिंग करने की जरूरत है, वो जो ऑप्टिमम रेंज ऑफ कंसंट्रेशन है उस ट्रिप्टोफैन का, उसको मेंटेन रखने की जरूरत है। उसके लिए एक और सिस्टम रन करता है, उसको क्या कहते हैं देख लें, उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल एटेन्यूएशन। अब ट्रांसक्रिप्शनल एटेन्यूएशन है क्या? तो यहां जो भी कुछ हमने लिखा है इसको हम सब मिटा रहे हैं, सिर्फ ओपेरॉन बचा रहेगा। तो आपने बना लिया होगा ध्यान दीजिए, जब ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, यहां से लेकर के और पूरा एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए तैयार हो जाएगा। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब कि एक ही एमआरएनए में एक से ज्यादा प्रोटीन के लिए कोड्स मौजूद हो, तो उसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। प्रोकैरियोट में ये सिस्टम रन करता है। आरएनए पॉलीमरेज मूव करेगा तो एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए उसने दे दिया। इस पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए में यहां से लेकर के यहां तक का जो सीक्वेंस होगा ये क्या होगा? ये हो जाएगा लीडर, क्योंकि ये कहां से ट्रांसक्राइब हो रहा है? लीडर जीन से। तो ये हो गया लीडर सीक्वेंस। इसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग ई डी सी बी ए, यही तो होगा। ये जो पांचों एंजाइम्स की हमने बात की थी उसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन। अब हम जरा इस लीडर सीक्वेंस को अलग से आपको बता रहे हैं, लीडर सीक्वेंस सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज लीडर सीक्वेंस। अब ये जो लीडर सीक्वेंस है इसमें चार स्पेसिफिक रीजन्स पाए जाते हैं, इसको हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, रीजन 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। चार रीजन्स हो गए लीडर सीक्वेंस में। इसमें जो पहला रीजन होता है, रीजन नंबर 1, इसमें दो जगह पे एट टू प्लेसेस किसके लिए कोडॉन मौजूद होते हैं? ट्रिप्टोफैन के लिए, यहां पे और यहां पे। लेट्स से समझना इस चीज को। रीजन 1 भाई, ये पूरा का पूरा क्या है? ये एमआरएनए ही है जिसमें लीडर से, ये पूरा एमआरएनए है जिसका लीडर सीक्वेंस हमने अलग से ड्रॉ कर लिया। एमआरएनए है तो इसका मतलब क्या होगा? उसमें कोडॉन्स होंगे, होंगे अलग अलग अमीनो एसिड के लिए कोडॉन्स मौजूद होंगे। रीजन 1 में दो कोडॉन्स ऐसे होते हैं जो ट्रिप्टोफैन के लिए होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। रीजन 2, रीजन 3 और रीजन 4, इन के सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि रीजन 2 और 3 आपस में कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो कर सकते हैं, और रीजन 3 और 4 ये भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर सकते हैं। वो कैसे होता है भाई? अगर कहीं पे ए जी जी सी लिखा हो और थोड़ी दूर के बाद जो है यू सी सी जी लिखा हो, जैसे ये चेन ऐसे चल रही है,
ये ऐसे मुड़ी और इस तरीके का कुछ सीक्वेंस थोड़ी दूर बाद आ गया, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो जा रहे हैं? और जब कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए और यू के बीच में, जी और सी के बीच में, यहां पे भी वही, यहां पे भी वही, इस तरीके से पेयरिंग हो सकती है, हो सकती है और वो होती है। इसीलिए आपने टीआरएनए का जब स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें स्टेम और लूप स्ट्रक्चर्स होते हैं, डीएचयू आर्म होती है उसमें, टीसीआईसी आर्म होती है, लूप होता है, एंटीकोडॉन आर्म और लूप होते हैं, ये सब होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाती है। वैसे तो वो पूरा टीआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ही है, 72 से 96 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, लेकिन बीच बीच में ऐसे बेसेस हैं उसके कि जब पास आता है वो सिंगल स्ट्रैंड, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से स्टेम लूप स्ट्रक्चर। तो इस लंबे लीडर सीक्वेंस में भी ऐसे इलाके होते हैं जहां के रीजन्स में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस प्रेजेंट होते हैं। अब देखो कहानी कहां चलती है आगे। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये कपल्ड होता है, समझ रहे हो ना? इसका मतलब कि को ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन के साथ ट्रांसलेशन होता है। तो जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज इन जीन्स को ट्रांसक्राइब करता जा रहा है आगे की तरफ, मान लो यहां तक आरएनए पॉलीमरेज पहुंच गया, पीछे पीछे राइबोसोम्स जो है इसी एमआरएनए को ट्रांसलेट भी करते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस जैसा तो कुछ होता नहीं है, जो काम हो रहा है वो साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। हमारे केस में जब एमआरएनए न्यूक्लियस में बन जाएगा तो उसका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा साइटोप्लाज्म में, फिर साइटोप्लाज्म में जब राइबोसोम्स उसको मिलेंगे तब ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये झंझट ही नहीं है, तो जैसे ही एमआरएनए ट्रांसक्राइब हुआ तुरंत राइबोसोम्स आके अटैच हो जाते हैं और उस ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए से ट्रांसलेशन स्टार्ट करके प्रोटीन या एंजाइम बनाना शुरू कर देते हैं। तो कपल्ड होते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स में। तो इसका मतलब यह हो गया कि जब इतना सीक्वेंस, लीडर सीक्वेंस आरएनए पॉलीमरेज ने बना दिया था तो पीछे पीछे राइबोसोम भी जो है वो आके जुड़ गया। ठीक, यह है राइबोसोम। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ट्रिप्टोफैन मीडियम में मौजूद है तो क्या होगा, ये राइबोसोम आगे बढ़ेगा और इसको ये ट्रिप्टोफैन वाले कोडॉन्स मिलेंगे। ट्रिप्टोफैन वाले कोडॉन्स जब मिलेंगे तो ये क्या करेगा, उन ट्रिप्टोफैन को नए पॉलीपेप्टाइड में या नए पेप्टाइड में इनकॉर्पोरेट करेगा, है ना? जब अवेलेबल है ट्रिप्टोफैन तभी तो इनकॉर्पोरेट करेगा, इनकॉर्पोरेट कर देगा और उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद इसको एक और चीज मिलेगी और वो चीज क्या होती है, यहां पे हम इसको इंडिकेट कर रहे हैं, ये होता है स्टॉप कोडॉन। समझ आया? तो जब ट्रिप्टोफैन मौजूद है मीडियम में तो यहां पे इनकॉर्पोरेट हुआ राइबोसोम और थोड़ा सा आगे बढ़ा, लेकिन अब इसको क्या मिल रहा है, स्टॉप कोडॉन मिल रहा है। अब राइबोसोम कहां तक पहुंच चुका है, राइबोसोम पहुंच चुका है यहां तक, स्टॉप कोडॉन तक पहुंच गया और अब वहीं पे वो रुका रहेगा क्योंकि स्टॉप कोडॉन है, वो तो आगे बढ़ नहीं सकता। स्टॉप कोडॉन तो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा नहीं, तो कोई अमीनो एसिड नहीं आएगा, राइबोसोम आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब आप गौर से देखिए कि किस रीजन पे है, ये एक और दो या हम कहें ज्यादातर रीजन टू को कवर किए हुए हैं। तो जब ये रीजन टू को कवर किए हुए है तो क्या ये रीजन टू फ्रीली अवेलेबल है तीन से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करने के लिए? नहीं। इसका मतलब टू और थ्री के बीच में अब ये जो हेयर पिन स्ट्रक्चर वहां पे दिखा रहे हैं हम, वो नहीं बन सकता। तो किस में बनेगा, थ्री और फोर के बीच में। अब रीजन थ्री और फोर के बीच में जो ये कॉम्प्लीमेंट, ये हेयर पिन स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज
टर्मिनेटर, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटर। ये बन कहां रहा है, ये लूप ये बन रहा है तीन और चार के बीच में, और ये क्या है बेसिकली, ये लीडर सीक्वेंस है, एमआरएनए का ही पार्ट है ये शुरुआती पार्ट। जैसे ही ये टर्मिनेटर लूप हेयरपिन तैयार होता है, आरएनए पॉलीमरेज इस जीन से डिटैच हो जाता है। कुछ ऐसा ये स्ट्रक्चर होता है कि आरएनए पॉलीमरेज को जीन से जुड़ा हुआ नहीं रहने देता है ना, कुछ लकड़ी नुमा बन गया और आरएनए पॉलीमरेज को ऐसे करके निकाल दिया, नीचे कर दिया, तो क्या होगा, जब आरएनए पॉलीमरेज इस स्ट्रक्चरल जीन से डिटैच हो जाएगा तो क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा? ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। क्या ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए था, जो कंडीशन हमने बताई, ट्रांसक्रिप्शन किस लिए होना चाहिए, जब ट्रिप्टोफैन ना हो, लेकिन यहां पे तो ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होना चाहिए। जैसे ही ट्रिप्टोफैन रहेगा, इनकॉर्पोरेट होगा, तब ये आगे बढ़ेगा। ये हो गई पहली कंडीशन। अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे, जब ट्रिप्टोफैन मीडियम में नहीं है तब क्या होगा। जब ट्रिप्टोफैन मीडियम में नहीं होगा तो ये राइबोसोम, चलिए यहां पे आगे बढ़ा थोड़ा, आगे बढ़ते बढ़ते ये यहां पहुंचा, अब इसको क्या चाहिए, ट्रिप्टोफैन, क्योंकि उसी के कोडॉन आ गए यहां पे, लेकिन ट्रिप्टोफैन तो मीडियम में है नहीं, तो क्या राइबोसोम यहां से आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ेगा। जब तक उसको ट्रिप्टोफैन नहीं मिलेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, और आगे जब नहीं बढ़ेगा तो आप देख सकते हैं रीजन टू फ्री है। अब ये जो रीजन टू फ्री है वो रीजन थ्री के साथ ये हेयर पिन स्ट्रक्चर बना लेगा, और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एंटी टर्मिनेटर। एंटी टर्मिनेटर कहते हैं, इसका मतलब कि अगर दो तीन के बीच में ये स्टेन बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज डिटैच नहीं होगा। अगर तीन चार वाला स्टेन तैयार हो रहा था तो आरएनए पॉलीमरेज डिटैच हो जाता, तो जब दो ने तीन को पकड़ लिया तो तीन फ्री बचा नहीं चार से जुड़ने के लिए, तो जब ये तीन चार नहीं जुड़े तो क्या हुआ, अब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो स्ट्रक्चरल जीन से जुड़ा रहेगा और पूरे के पूरे इस एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करेगा कंटेनिंग ऑल द फाइव जीन्स, और वो चाहिए, क्यों, क्योंकि मीडियम में ट्रिप्टोफैन नहीं है, तो वो सारे एंजाइम्स चाहिए विच आर रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफैन। ये है फाइन ट्यूनिंग, और इसी को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शनल एटेन्यूएशन। ये पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं करता है, लेकिन किस स्पीड से ये एंजाइम्स जो है वो सिंथेसाइज होने चाहिए उस स्पीड को कम या ज्यादा कर सकता है, कम करने का मतलब एटेन्यूएट करता है उसको। क्लियर हो गई ये बात। तो इस तरीके से दो दो स्टेप्स हैं या दो मेन प्रोसीजर्स हैं जिसकी हेल्प से ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस सेल के अंदर रेगुलेट होती है। एक तो ये रिप्रेसर जो बन रहा है उसकी हेल्प से, और दूसरा जब ये सीक्वेंस तैयार हो रहा है या लीडर पेप्टाइड जो है, लीडर पेप्टाइड भी अभी नहीं कहेंगे, लीडर सीक्वेंस की वजह से ये जो एटेन्यूएशन हो रहा है उससे भी ये ऑपेरॉन रेगुलेट होता है। समझ में आ गया सब? कोई डाउट, कुछ पूछना हो? नहीं।